हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल नेहास किचन में। तो रक्षाबंधन का त्योहार बस आने ही वाला है और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने भाई को अपने हाथ से बना हुआ कुछ मीठा बनाकर खिलाएं। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ ब्रेड रसमलाई की रेसिपी और ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। तो ये रेसिपी आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो पहले आप बड़ा बर्तन लीजिएगा और उसमें डालिएगा 1.5 लीटर मतलब कि 1.5 लीटर दूध। यहाँ पर आप होल मिल्क यूज करिएगा और अगर आपको बफेलो मिल्क मिला तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो दूध को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में पहले अच्छे से उबाल लेना है। तो रसमलाई में मुझे केसर का कलर और जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ही पसंद है। तो 1/4 कप आप कुनकुना दूध लीजिएगा और उसमें कुछ केसर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर ये रसमलाई आप व्हाइट भी बना सकते हैं। तो दूध उबालते वक्त आप उसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि वो नीचे से और किनारे से चिपके ना। और दूध हमें तब तक उबालना है जब तक ये उबल कर आधा ना हो जाए। जब दूध की क्वांटिटी आधी हो जाए आप उसमें डाल दीजिएगा 1/2 कप या फिर 1/4 कप शक्कर। तो आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शक्कर डालिएगा। और शक्कर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल दीजिएगा 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने के कारण इसकी जो रबड़ी बनेगी उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बर्तन को आप बीच बीच में किनारे से भी इस तरीके से क्लीन करिएगा। तो जैसे ही दूध का कलर हल्का सा पीला दिखने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए केसर वाला दूध। ये देखिए केसर का कितना अच्छा कलर आ गया है। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। मेरे आने वाली और भी अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक ये 1/4 मतलब कि 1/4 लेवल तक ना आ जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी गाढ़ी रबड़ी जैसे ना हो जाए। तो आप बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके। तो ये देखिए ये जो दूध है अभी वो अच्छे से रबड़ी नहीं बनी है, अभी भी ये काफी पतला है तो इसे अभी और उबालने की जरूरत है। और जो रबड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये अभी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो पहले इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाउल में शिफ्ट करने के बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो इसे पहले हम रूम टेम्परेचर में ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे क्योंकि ठंडी ठंडी रसमलाई खाने का मजा ही कुछ और है। तो गैस में रखिए आप पैन और उसे रख दीजिए लो फ्लेम में और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 150 ग्राम कॉटेज चीज मतलब की पनीर। और पनीर डालने के बाद आप उसमें डाल दीजिएगा 1 टेबल स्पून शक्कर। अगर आपको फ्रेश खोया यहाँ पर मिले तो आप पनीर की जगह खोया भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो शक्कर है वो पिघलना शुरू हो जाए। तो पनीर में थोड़े से फ्लेवर के लिए आप इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है पर डालने से इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। तो यहाँ पनीर को आप ब्राउन बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम में आपको यहाँ पनीर को पकाना है शक्कर के साथ। तो ये देखिए ये जो शक्कर है वो पिघल गई है और ये जो पनीर है अच्छे से पक चुका है। तब आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून दूध। तो दूध डालने के बाद हमें इसे और ज्यादा नहीं पकाना है, बस 5 मिनट के लिए आप इसमें पकाइए ताकि ये जो दूध है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो पनीर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, इसे अब हम रूम टेम्परेचर में इस तरीके से ठंडा कर लेंगे। और अब बारी आती है ब्रेड की। तो आप यहाँ पर व्हाइट ब्रेड ही लीजिएगा, ब्राउन ब्रेड मत लीजिएगा। और उसे कुछ इस तरीके से ग्लास या कटोरी से कट कर लीजिएगा। तो आपको जितनी रसमलाई लगने वाली है 10 से 12 पीसेस आप कट करके यहाँ पर रेडी रखिएगा। तो सारे ब्रेड के टुकड़ों को आप दूध में कुछ सेकंड के लिए सोक करिए और फिर उसमें से एक्स्ट्रा दूध कुछ इस तरीके से आप निकाल दीजिए। तो दोनों हाथों से आप ब्रेड को प्रेस करिएगा और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे प्रेस करिएगा
ताकि जो ब्रेड है वो बिल्कुल टूटे ना। तो अब बारी आती है ब्रेड में फिलिंग भरने की। तो ये जो पनीर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये पनीर को मैंने पहले अच्छे से मसल लिया है और उसके बाद आप इसे डाल दीजिए सोक किए हुए ब्रेड पे। और जो दूसरा सोक किया हुआ ब्रेड है उसे आप इसे ऊपर से कवर करिए और इसे कॉर्नर से आप थोड़ा इस तरीके से हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो सारे ब्रेड्स को आप फिलिंग करके पहले रेडी कर लीजिएगा। तो ठंडी ठंडी रबड़ी बनकर रेडी है। तो ठंडा होने से ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो आप सारे ब्रेड्स को बस कुछ सेकंड के लिए इस रबड़ी में डीप कर दीजिए ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से रबड़ी का जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो जो भी सर्विंग प्लेट है आप उसमें एक एक करके सारे रबड़ी इस तरीके से डाल दीजिए। और उसके बाद आप ऊपर से भी इसमें अच्छे से रबड़ी डाल दीजिए। तो केसर का जो कलर और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है रबड़ी में और ये जो ब्रेड है वो अच्छे से रबड़ी पूरा एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद आप अपने मनपसंद का कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट से आप इसे डेकोरेट करिए। और अगर आपको सिंगल रसमलाई सर्व करनी है तो आप कुछ इस तरीके से भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ब्रेड रसमलाई की ये रेसिपी? इस रक्षाबंधन आप एक बार ये बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।